Hey everyone, welcome in this channel. Today we are doing our chapter number 11, नीति के दोहे। आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि हमारे कबीर जी, रहीम जी, मीराबाई, हमारे जितने भी कवि हुए हैं, महान कवि, उन्होंने अपनी बातों को पंक्तियों या दोहों के द्वारा लिखा है। इन पंक्तियों और दोहों का बहुत गहरा मतलब निकलता है। हम आज पढ़ने जा रहे हैं कबीर जी और रहीम जी के लिखे हुए दोहे और हम देखते हैं कि वो हमें अपनी बातों के द्वारा क्या समझाना चाहते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, ये किसका लिखा हुआ है? कबीर जी का। कबीर जी कहते हैं कि मैं इस संसार में बुरे लोगों को ढूंढने चला था, कि बुरा जो देखन मैं चला, कि इस संसार में मैं बुरे लोगों को देखने चला था, बुरा न मिलिया कोई, परंतु मुझे कोई भी बुरा इंसान नहीं मिला। जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई, और जब मैंने अपने दिल के अंदर झांक कर देखा तो मुझे इस दुनिया में मेरे से ज़्यादा बुरा कोई नहीं दिखा। इट मीन्स यहाँ पे कबीर जी कहना चाहते हैं कि लोगों में बुराइयाँ मत ढूंढो, अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करो तो बाहर की बुराइयाँ दिखनी बंद हो जाएंगी। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए। गुरु मीन्स जो हमारे अध्यापक हैं, गोविंद मीन्स भगवान, कि मेरे सामने मेरे गुरु और मेरे भगवान दोनों खड़े हैं। दो मीन्स दोनों, कि मेरे सामने दोनों खड़े हैं। काके लागू पाए, कि मैं किसके पैरों को छूं। बलिहारी गुरु आप री गोविंद दियो बताए, परंतु मैं तो अपने जो गुरु हैं, मेरे जो अध्यापक हैं, मैं उन पे अपना सब कुछ निछावर करता हूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही तो मुझे भगवान से मिलने का रास्ता दिखाया है। तो इन पंक्तियों में कबीर जी ने अध्यापक का, गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा बताया है और उन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से बताया है कि जो अध्यापक होता है, जो गुरु होता है, उसका जो दर्जा होता है वो सबसे ऊंचा होता है, क्योंकि भगवान से ज़्यादा भगवान को हम देख नहीं सकते, परंतु गुरु हमारे साथ रहते हैं। वो हमें अच्छाई के रास्ते पर भी ले जा सकते हैं और वो हमें बुराई के रास्ते पर भी ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने जो सबसे ऊंचा दर्जा दिया है वो किसको दिया है? अपने गुरु को दिया है। साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाई। यहाँ पे कबीर जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। वो भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे केवल इतना देना, साई इतना दीजिए, कि हे प्रभु मुझे खाने के लिए इतना देना, जामे कुटुंब समाए, कि जिसमें मेरा पूरा परिवार भर पेट कर खा सके। मतलब वो पेट भर ले अपना, इतना मेरा परिवार उस चीज़ को खा सके, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, कि हे प्रभु मुझे इतना दीजिए कि मेरा परिवार खा ले और मैं भी भूखा ना रहूं, लेकिन अगर मेरे घर में कोई मांगने वाला आ गया तो वो भी मेरे घर से भूखा ना जाए। तो इन पंक्तियों में कबीर जी भगवान से जिस चीज़ की प्रार्थना कर रहे हैं वो है खाना। कि वो कहते हैं कि प्रभु हमें इतना मत देना कि हम लोगों को दे ही ना सकें, कि हमारे अंदर घमंड आ जाए, लेकिन हमें इतना खाना ज़रूर देना कि हम खा लें, हमारे परिवार को खिला दें, और उसके साथ साथ अगर मेरे घर में कोई मांगने वाला साधु आ जाए तो वो भी भूखा ना जाए। अब रहीम जी के दोहे पढ़ते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। कि रहीम जी कहते हैं कि हमारा जो प्रेम होता है वो एक धागे के समान होता है, कि जिस तरीके से एक धागा टूट जाता है और तोड़ने के बाद जब हम उसको दोबारा जोड़ते हैं, वो धागा तो जुड़ जाता है, लेकिन उस धागे के बीच में क्या आ जाती है? गांठ आ जाती है। उसी तरीके से अगर हमारा किसी के प्रति प्रेम है, उससे अथाह प्रेम है, तो हमें उसे एकदम से नहीं तोड़ना चाहिए।
क्योंकि अगर प्रेम एक बार टूट जाता है, अगर हम दोबारा उसी इंसान से वैसा प्रेम करना चाहे तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे प्रेम के अंदर क्या आ जाती है, धागे जैसी गांठ आ जाती है। माने मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि दो दोस्त हैं, उनके आपस में बहुत अच्छी बनती है, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि थोड़ी गलतफहमी होती है या कोई मन मुटाव होता है और उन दोनों की दोस्ती टूट जाती है और वो कई दिनों तक आपस में बात नहीं करते। लेकिन फिर एक ऐसा टाइम आता है कि वो धीरे धीरे बातें करने लग जाते हैं। लेकिन आप एक चीज़ देखना कि उन लोगों के अंदर वो दोस्ती वैसी नहीं रहेगी जैसे पहले थी, क्योंकि अब उनके अंदर मन मुटाव आ गया। एक चीज़ जो चीज़ होती है डर, वो घर कर जाती है। किस वजह से? कि हो सकता है पहले लड़ाई हुई अब भी हो जाए, तो उनके जो मन पहले की तरह आपस में मिले होते हैं वैसे उनके मन नहीं मिल पाते। बड़े बड़ाई ना करे बड़े ना बोले बोल, कि यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि जो महान लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनको कभी भी बढ़ चढ़ कर नहीं बोलना चाहिए और ना ही उन्हें कभी अपनी प्रशंसा खुद से करनी चाहिए। रहमन हीरा कब कहे लाख हमारो मोल, कि आपने देखा होगा कि हीरा कभी भी आपको ये नहीं कहता कि मेरी कीमत लाखों में है। उसकी कीमत किससे पता लगती है? उसके चमकने से पता लग जाती है कि ये हीरा है, तो उसकी जो कीमत है वो अपने आप हो जाती है। उसी तरीके से यहाँ रहीम जी कहना चाहते हैं कि इंसान को अपने आप को इतना अच्छा बनाना चाहिए कि वो अपना जो मोल है वो लोग उसके मोल को अपने आप से समझने लग जाए, मीन्स उसकी महानता को वो अपने आप से समझें। तरवर फल नहीं खात है सरवर पिए ना पान, कि पेड़ अपने फल को खुद से नहीं खाता है और ना ही तालाब अपना पानी स्वयं पीता है। कहे रहीम पर काज हित संपत्ति सची सुजान, कि यहाँ पर कबीर जी कहते हैं कि उसी तरीके से सज्जन लोग होते हैं, वो जो अपना धन होता है उस धन का संचय अपने लिए नहीं करते, वो इस धन को दूसरों की भलाई के लिए भी यूज करते हैं। जे गरीब पर हित करे ते रहीम बड़े लोग, कि यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि अगर उन पैसों से वो गरीबों की सेवा करते हैं तो रहीम जी कहते हैं कि उन लोगों को बड़े लोग माना जाता है। कहाँ सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग, कि आप देखो कि कहाँ पर भगवान श्री कृष्ण थे और कहाँ पर सुदामा और उनकी दोस्ती, कि भगवान ने सुदामा को अपनी दोस्ती के लायक समझा और उनको अपने बराबर का दर्जा उन्होंने दिया। तो ये थी हमारे कबीर जी और रहीम जी के दोहे जो हमें बहुत गहरी शिक्षा देते हैं। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज। गोविंद से बड़ा किसको बताया गया है? गोविंद से बड़ा गुरु को बताया गया है। कृष्ण ने किसके साथ मित्रता निभाई थी? कृष्ण ने सुदामा के साथ मित्रता निभाई थी। यहाँ पे आपको दिया गया है कबीर ने किस दोहे में प्रेम का महत्व बताया है? उन्होंने बताया रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाई, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। दूसरी है गुरु पर निछावर होने के भाव किस दोहे में है? यहाँ पे गुरु के लिए जो बताया गया था वो था गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप नो जिन गोविंद दियो बताए। यहाँ है सरोवर स्वयं पानी नहीं पीता है, इसका अर्थ बताने वाला दोहा। तरवर फल नहीं खात है सरोवर पिए न पान, कह रहीम पर काज हित संपत्ति सची सुजान। मुझसे बुरा ना कोय क्यों कहा गया है? मुझसे बुरा ना कोय ये इसलिए कहा गया है क्योंकि सारे दुख परेशानी बुराई हमारे ही हृदय में भरी है। हम अच्छे हैं तो सारा संसार हमें अच्छा दिखाई देता है। गुरु को गोविंद से बड़ा क्यों बताया गया है? गुरु को गोविंद से बड़ा इसलिए बताया गया क्योंकि गुरु की कृपा से ही परमात्मा के दर्शन हमें होते हैं। टूटे से फिर ना जुड़े, इसका क्या मतलब है? टूटे से फिर ना जुड़े का मतलब होता है कि अगर हमारा प्रेम टूट जाता है तो उसको दोबारा जोड़ना मुश्किल हो जाता है, और अगर वो जुड़ भी जाता है तो उसमें क्या आ जाती है, गांठें आ जाती हैं। बड़े बड़ाई ना करे दोहे के अनुसार बड़े आदमी अपनी प्रशंसा समय क्यों नहीं करते?
बड़े आदमी अपनी प्रशंसा स्वयं इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनके गुण तो स्वतः ही दिखाई देते हैं। यह है आपका चैप्टर। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।